और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है रांची से। धान खरीद को फिलहाल 15 दिन के लिए रोकने का निर्देश दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, धान खरीद जो कि 1 तारीख से शुरू हुई थी उसे अगले ही दिन आगे 15 दिनों के लिए रोकने का निर्देश जारी किया गया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने विभाग को इस बाबत निर्देश दिया है। उनका कहना है कि अभी गीला धान खरीदना सरकारी खजाने के लिए और किसानों के लिए भी लाभदायक नहीं होगा। उन्होंने कहा, किसान हूं, जानता हूं धान कब सूखेगा। और इस बात का हवाला देते हुए रामेश्वर उरांव ने धान खरीद को फिलहाल 15 दिन के लिए टालने का निर्देश दिया है। 1 तारीख से ही धान की खरीदारी शुरू हुई थी, लेकिन अगले ही दिन विभागीय मंत्री ने धान के गीला होने और सूखे न होने की संभावना को देखते हुए धान खरीद की प्रक्रिया को रोकने का निर्देश दिया है। तो किस आधार पर धान खरीद को रोका गया है और इसको लेकर विभागीय मंत्री का क्या कहना है, यह पहले आपको सुनाते हैं। अभी अगर 1 क्विंटल देंगे तो महीना भर में 5 केजी घट जाएगा, सूखती जाएगा। हम ले करके घाटे में क्यों रहे? दोनों घाटा में नहीं रखना, किसान भी घाटा में नहीं रहे, सरकार भी घाटा में नहीं रहे। इसीलिए हमारा मत है कि थोड़े दिन रुके, बिहार भी नहीं ले रहा है इसी कारण से, बिहार भी थोड़े दिन रुक करके जब धान सूख जाएंगे है ना, हम देंगे, लेना तो ये है, थोड़ा इंतजार करना पड़ा किसानों को। कहीं धान आदि प्राप्ति नहीं हो रही, कोई राज्य में पढ़ लीजिए, समझा देख लीजिए, इसी कारण से कि गीला है, अभी घाटा हो जाएगा। हम घाटा क्यों सहेंगे? हम दाम 2000 दे रहे हैं, 2050 दे रहे हैं, तो उतना का धान चाहिए ना हमको, लीजिए 15 दिन के बाद लेंगे। अभी मैं कह रहा हूँ, मैं किसान हूँ, मेरे खेत में धान कट रहा है, कटवा रहे हैं धान, सूखेगा 15-20 दिन में देंगे। गांव गांव में धान कटनी चल रही है, कि पंजाब नहीं है कि मैं 2 महीना पहले कट गया। हमारे सहयोगी शाहनवाज अख्तर इस मामले पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, हम सीधे उनका रुख करेंगे। सबसे पहला सवाल तो, अगर कोई किसान है जो इस खबर को सुनकर, हमने कल ही खबर दिखाया था कि धान की खरीद शुरू हो गई है, धान क्रय केंद्र से हमने सीधी तस्वीरें दिखाई थी कि वहां अधिकारी पहुंच रहे हैं, तो जब ऐसी बात थी कि धान अभी सूखा ही नहीं है तो सरकार को यह प्रक्रिया शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी, क्यों सरकार ने इस प्रक्रिया को शुरू किया और फिर शुरू करने के फौरन बाद स्थगित कर दिया, ये सवाल किसानों का है। शाहनवाज, सरकार के पास इसका क्या बस इतना ही जवाब है कि धान सूखा नहीं है, इस वजह से अभी खरीद की प्रक्रिया स्थगित की जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल, आपका जो सवाल है उसका एंगल बिल्कुल सही है कि क्या ये सोच समझ कर किया हुआ फैसला नहीं है कि धान खरीद केंद्र पहले ही चालू हो गए हैं 1 दिन पहले और किसान वहाँ जाना शुरू कर चुके हैं। तो इसका जवाब ये मंत्री जी ने दिया है कि ये फीडबैक उनके पास आया कि इस वक्त धान खेतों में गीले पड़े हुए हैं और अगर इस धान की खरीद की गई तो सरकारी खजाने को 20-25% का चूना लग जाएगा, अर्थात वो कस्टोडियन है, खजाने के भी कस्टोडियन है और एक किसान भी है। अगर जानते बूझते, किसानों का तो फायदा हो जाएगा क्योंकि ये भीगा हुआ धान अगर खरीदा जाएगा तो एक तो 15-20 दिन के अंदर ही इसमें 20% यानी 1 किलो में 200-300 ग्राम धान जो है सूख जाएगा और उसका वजन कम हो जाएगा। तो ये चीज जानबूझ करके एज ए किसान उन्होंने कहा कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, इससे फायदा तो हो रहा है लेकिन सरकार का खजाना भी पब्लिक का पैसा है और उसका सीधा सीधा नुकसान वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये अपने आप में अपने फर्ज से एक बेईमानी है। लिहाजा उनको जब इस बात की फीडबैक मिली कि आपका जो सेंटर है, धान खरीद का केंद्र चालू किया है आपने और
गीला धान साजिशन लोग बेचने जा रहे हैं। अगर किसी का धान गीला नहीं है तो उसको गीला करके बेच रहे हैं, पानी डाल देंगे थोड़ा वजन बढ़ाने के लिए। तो ये निर्देश उन्होंने दिया है और देखते हैं कि अभी पदाधिकारी धान खरीद रोकते हैं कि नहीं। 15 दिनों तक के लिए उन्होंने कहा, जैसा कि आपने अभी सुन लिया कि उन्होंने ये रोकने के लिए कहा है, बाकायदा इसको बाय फोर्स क्विट करने के लिए कहा है। और रहा सवाल कि 15 दिन में धूप कड़ी है, अगले 3-4 दिनों में मौसम विज्ञान केंद्र का जो पूर्वानुमान है वो भी मैंने चेक किया तो अगले कुछ दिनों में अभी बारिश की संभावना नहीं है, लिहाजा सीधी धूप खेतों में पड़ रही है और अधिकांश जो किसानों के धान है झारखंड में वो अभी खेत में है। ये तो हम भी दिखा चुके हैं। उन्होंने हवाला बिहार का भी दिया और कहा कि बिहार में भी धान खरीद इसीलिए अभी शुरू नहीं हुई है क्योंकि पंजाब की बात कुछ और है, हरियाणा की बात कुछ और है, वहां पर धनकटनी हमसे 20-25 दिन पहले ही हो जाती है और वो प्रोसेस होकर के उनके पास उतनी सारी मशीनरी भी है जिससे वो धान को सुखा लेते हैं समय से। लेकिन हमारे यहाँ कुल निर्भरता भगवान भास्कर पे ही है, सूर्य देव पे है। तो लिहाजा ये निर्देश जारी हुआ है और एक सीधी सीधी किसानों के हित की खबर है जो सबसे पहले। लेकिन ऐसे में एक व्यक्तिगत जिज्ञासा मेरे मन में आ रही है, उस पर भी चाहेंगे आप प्रतिक्रिया दें। जो सरकार सैकड़ों करोड़ रुपए किसानों के कर्ज माफ करने का दावा करती है वो भी उसी खजाने से जाता है, लेकिन कर्ज माफी में किसानों के हाथ में कोई पैसा नहीं आता। अगर आप 20-25% अतिरिक्त भुगतान कर देते हैं, मान लीजिए टन में, जिस तरह से रामेश्वर उरांव संभावना जता रहे हैं कि अगर वो 1 टन धान खरीदेंगे तो उसमें 5 किलो की कटौती हो जाएगी, कीमत ज्यादा भुगतान करना होगा, तो अगर 2-4 रुपए किसानों के हाथ में अतिरिक्त भी चला जाता है तो क्या सरकार को इस बारे में इतना चिंतित होने की जरूरत है? देखिए, जहां तक बात गांव देहात में इस वक्त धान खरीद की है तो दो स्ट्रीम चलते हैं जी। एक तो सरकारी सब्सिडाइज जो एमएसपी जो सरकार ने घोषित किया है 2050 रुपए के आसपास का है, 182 रुपया उसमें बोनस उन्होंने घोषित किया हुआ है, ये किसानों के लिए समर्थन मूल्य है, उनको सहायता पहुंचाने के लिए उनकी कीमत, सही कीमत उनको मिले ताकि वो अपना अगला फसल उससे जाकर के उसका इस्तेमाल कर सकें और किसानों ने जो मेहनत की है पिछले खरीफ के फसल में उसका मूल्य उनको मिल सके। ये तो प्रो किसान पॉलिसी है और ये इसमें कहीं पीछे नहीं है झारखंड सरकार। लेकिन अब रहा सवाल आपके सवाल का, तो इसका फायदा भी फिर बिचौलिए उठाने लगेंगे, ये एंगल है। अगर थोड़ा सा छूट मिली कि धान अधिप्राप्ति केंद्र में गीला धान भी खरीद रही है सरकार, ये समाचार जैसे ही देहातों में फैलेगा तो ये जो बिचौलिए इधर उधर घूम रहे हैं ये भीगा भीगा करके धान लेकर के आएंगे और सेंटर पे बेचने का प्रयास करेंगे, ये एक केस जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी देहातों में। रहा सवाल किसानों को लाभ और किसानों की जेब में कुछ पैसे डालने का नहीं है, ये एक गांव की जो इकोनॉमी होती है ये बिचौलिए उस पर बहुत प्रभावी रहते हैं, उनको जरा सा मौका मिलने की देर है कि वो इसका फायदा उठाएंगे। इसीलिए रामेश्वर उरांव जी जो बाकायदा उनको 50 बीघा की खेती भी है, बाकायदा वो किसानी भी करते हैं, तो उनका ये ख्याल है कि इस 15 दिन के इंतजार में कोई हर्ज नहीं है और अगर इंतजार कर लिया जाए और इस बीच धान खरीद की तैयारी कर ली जाए अच्छे से, SMS से तमाम लोगों की बुकिंग कर ली जाए कि हम इतना धान लेकर के आएंगे, हमको किस दिन बुला रहे हैं, ये सारी चीजें करते करते 15 दिन का समय बीत जाए तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। और चूंकि सरकार ने कीमत भी तय कर दी है तो मेरे ख्याल से 15 दिन के बाद इस पर अमल दरामद किया जा सकता है। बिल्कुल, तो 15 दिन के बाद किसानों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा धान क्रय केंद्र पर धान को बेचने के लिए। लेकिन शहनवाज, जिस तरह से हमने ये खबरें दिखाई कि अभी कई हिस्सों में झारखंड में कटनी भी चालू है, तो उसी तरह हमने ये भी खबर दिखाई है कि कई जगहों पर बिचौलिए भी सक्रिय हैं और कुछ किसान जो आर्थिक तंगी का सामना करना है वो औने पौने दाम में बिचौलियों को अपनी फसल बेचने को मजबूर हैं, तो उसका भी तो कुछ उपाय होना चाहिए। देखिए, बिचौलिए तो सक्रिय हैं, अगर आप बात करें कीमतों की तो इस वक्त बिल्कुल आधी कीमत पर धान खरीदने के लिए एक पूरी टीम सक्रिय है, तो ऐसा तो हर जगह होता है।
और बिचौलियों 15 दिन का समय मिल जाएगा, तो जाहिर है बहुत सारे किसान कुछ फसल अपना कुछ संपाट जो उन्होंने उगाया होगा वो बिचौलियों के हवाले करना पड़ेगा उनको। ये एक सार्थक एक शाश्वत सच्चाई है, माफ कीजिएगा, और ये इससे किसी को इनकार नहीं है कि 15 दिन की इस देरी से बिचौलिए काफी हद मार्केट को नुकसान पहुंचाएंगे। जो सरकार का अपना एक टारगेट है कि इतना धान हम खरीदेंगे, उसमें कुछ न कुछ तो नुकसान पहुंचेगा, लेकिन जाहिर है एक साइकिल ऑफ चेन है कि अगर आप सरकार अच्छा धान खरीदती है तो उसको भंडारण में भी आसानी होगी। अगर गीला धान खरीद लेती है सरकार तो अगर उसको वैसे ही FCI के गोदाम में डाल देंगे तो वह सड़ भी जाएगा, और पहले से वहां जो अनाज पड़े हुए हैं वो उसकी नमी का नुकसान उनको उस अनाज पे भी होगा और वो भी सड़ने की कगार पे आएंगे। इसलिए भंडारण की जो साइंस है उसके हिसाब से भी सूखा अनाज FCI गोदाम्स में जाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, धन्यवाद शाहनवाज इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो किसान भाइयों के लिए यह महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर आप धान क्रय केंद्र जाने की तैयारी